हे एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटीफाई योर नेस्ट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही प्यारा अमेजिंग कुछ दिवाली डेकोर्स या फेस्टिव डेकोर्स जो कि आप अपने घर में बहुत ही जल्दी जल्दी बना सकते हैं और अपने घर को इस फेस्टिव सीजन बहुत ही सुंदर से सजा सकते हैं। एक के बाद एक फेस्टिवल्स और उसके साथ बहुत सारा शॉपिंग्स। और जब भी हम शॉपिंग्स करते हैं तो हमें मिलता है बहुत सारा इस तरह का शॉपिंग बैग्स जो कि हम डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन आज का जो भी डेकोर्स है हम इसी शॉपिंग बैग से बनाएंगे। तो आज हम इस टाइप का बहुत ही प्यारा सुंदर सा एथनिक डोर तोरण बनाएंगे या फिर बंदलवार जो भी आप बोलिए उसको बनाएंगे शॉपिंग बैग से। इस तरह का शुभ लाभ बनाएंगे ये भी शॉपिंग बैग से और बहुत ही प्यारा कुछ एथनिक वॉल डेकोर बनाएंगे जिसके बिना हमारा दिवाली तो पूरा अधूरा है। तो इस टाइप की बहुत ही प्यारी प्यारी सी फेस्टिव डेकोर्स के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इन फेस्टिव वॉल आर्ट्स को बनाने के लिए मैंने कुछ सर्कुलर कार्डबोर्ड का पीसेस कट कर लिया है। डायमीटर डिफरेंट डिफरेंट है, आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने कुछ शॉपिंग बैग का पीसेस लिया है, सर्कुलर पीसेस जो कि जो आपका कार्डबोर्ड का साइज है उससे थोड़ा आपको बड़ा लेना है। तो इस तरह से आप साइड में कट कर लीजिए ताकि हम बहुत अच्छे से इसको फिक्स कर पाए। तो जो आगे का पोर्शन है उसमें ग्लू बिल्कुल भी मत लगाइए, इससे फिनिशिंग नहीं अच्छा नहीं आता है। तो मैं पीछे इस तरह से आइदर आप फेविकॉल ग्लू का यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से छोटा छोटा पीसेस को आप बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लीजिए तो बहुत नीट एंड क्लीन शेप आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप हॉट ग्लू गन का यूज़ कीजिए, इससे बहुत अच्छा और जल्दी बन जाता है। देन वॉल आर्ट्स को डेकोरेट करने के लिए आपको चाहिए कुछ फैब्रिक का पीसेस। इस तरह से मैंने फ्लावर की पेटल्स के शेप का कुछ कट कर लिया है। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आप डिफरेंट डिफरेंट कलर का फैब्रिक शॉपिंग बैग से कट कर लीजिए। और उसके साथ कुछ आपको डेकोरेटिव आइटम्स चाहिए, ये ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से बना रही हूँ। आप हॉट ग्लू गन की मदद से इस तरह से ओम या स्वस्तिक शेप भी बना सकते हैं या फिर स्टिकर लगा सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक दिया भी बनाया है, फैब्रिक शॉपिंग बैग का कटिंग मैंने ये यूज़ किया है। जो भी मेरे घर में डेकोरेटिव आइटम्स था, कलर्स था, तो उसी से मैं इस तरह से थोड़ा सा और सजा लूंगी।
अब इन वॉल डेकोर्स को हैंग करने के लिए मैं पीछे कलरफुल जेम्स क्लिप अटैच करूंगी ग्लू गन के मदद से। शुभला बनाने के लिए मैंने दो स्क्वायर शेप का कार्डबोर्ड पीसेस कट किया है और अब मैं रेड कलर की शॉपिंग बैग के मदद से इस तरह से इसको बहुत अच्छे से हॉट ग्लू गन के मदद से साइड से कवर कर लूँगी। नाउ मेरे पास इस तरीके का कुछ स्टिकर था शुभला का, तो वो मैं यूज़ करूँगी। नाउ इस तरीके का बहुत ही सिंपल और थिन लेस की मदद से मैं थोड़ा सा इस टाइप के डेकोरेशन करूंगी। साइड में मैंने बीट्स लगाया है गोल्डन कलर का। अब मैं यहाँ पे वेडिंग कार्ड से इस तरह का गोल्डन पेपर कलेक्ट करके मैं कुछ इस तरीके का शेप्स कट कर ली हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे फोम पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब लटकन बनाने के लिए मैंने एक शॉपिंग बैग से लंबा लंबा स्ट्रिप कट कर लिया है और नीचे के पोर्शन में इस टाइप से कटिंग करूँगी एंड देन हम गोल्डन थ्रेड के मदद से मिडिल से इंसर्ट करेंगे नीडल। और देखिए इस तरह से मैं कुछ बनाऊँगी लटकन। नाउ मेरे पास इस टाइप का जरी पड़ा हुआ था तो उससे मैं थोड़ा सा लटकन को और हाईलाइट करूँगी। तो इसके लिए जरी का जो मिडिल से मैंने इस तरह से कट लगा लिया है और उसके बाद हॉट ग्लू गन की मदद से जो लटकन का टॉप पोर्शन है उसको थोड़ा कवर करेंगे। तो देखिए इस तरह से कवर करने के बाद हमारा जो लटकन है कितना प्यारा लग रहा है। नाउ अब हम हॉट ग्लू गन के मदद से और छोटा छोटा पेपर का कटिंग्स की मदद से हैंगिंग बना लेंगे और लटकन को भी पीछे फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से बैक साइड में मैंने फिक्स कर लिया है और हमारा शुभला बनके अब हो गया है रेडी। नेक्स्ट हम बनाएंगे तोरण, तो उसके लिए मैंने गोल्डन कलर का फैब्रिक चूज़ किया है और उसके साथ रेड शॉपिंग बैग का मैं यूज़ करूँगी। तो इस तरह से देखिए शेप्स का मैं कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर का जो फैब्रिक है उससे छोटा कट किया है और जो रेड कलर का शॉपिंग बैग है उससे मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ का इस टाइप से कट किया है और देन मैं हॉट ग्लू गन की मदद से इस तरह से अटैच करूँगी। और साइड में मैंने वही थिन जो सिल्वर कलर का मेरे पास लेस था उसको मैंने अटैच कर दिया है ताकि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लुक लगे। तो इस टाइप से मैंने टोटल 4 पीसेस यहाँ पे बना के रेडी कर लिया है और अब मैं सबके मिडिल में एक एक बीट्स लगा दूंगी। नाउ अब हम लटकन बनाने के लिए इस टाइप का सेमी सर्कुलर पीसेस कट करेंगे और हॉट ग्लू गन की मदद से कुछ इस टाइप का लटकन का शेप बना लेंगे। नाउ मैंने यहाँ पे गोल्डन एक लेस लिया है तो उस लेस के बैक साइड में मैं इन 4 पीसेस को इस तरह से अटैच करूँगी। तो यहाँ पे मैं हॉट ग्लू गन का ही यूज़ कर रही हूँ, बहुत जल्दी हॉट ग्लू गन से बन जाता है। और अब मैं लटकन बनाने के लिए सेम गोल्डन थ्रेड का यूज़ करूँगी और देखिए इस तरह से नीचे से इंसर्ट करना है
और उसके बाद एक नॉट लगा देना है ताकि सिक्योर हो जाए। और ऊपर से मैं इस तरह से देखिए निकालूंगी और ऊपर भी मैं एक नॉट लगा दूंगी। तो इस तरह से हमारा जो लटकन है वो बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल मैंने 5 लटकन बनाया है। नाउ अब हम सारे लटकन को बैक साइड में इस तरह से हॉट ग्लू गन के मदद से अटैच कर लेंगे। हमारा जो जरी है उसको भी हम साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि बहुत ही एक नीट एंड क्लीन लुक लगे। और अब मैं इसको हैंग करने के लिए वही गोल्डन थ्रेड का यूज़ करूँगी और इस तरह से हॉट ग्लू गन की मदद से मैं अटैच कर लूँगी। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए आप यहाँ पे सुई धागा के मदद से थोड़ा सा और स्टिच कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा जो तोरण है वो बनके हो गया है रेडी। तो चलिए सारे चीज़ को अब सेटअप कर लेते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है। को वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि इस दिवाली मैं भी खुश हो जाऊँ और आप भी। और उसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और उसके साथ बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और हाँ, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। कमेंट करना, शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ताकि हर कोई इस फेस्टिव सीजन को बहुत ही एंजॉय कर सके बिना बजट में। तो मिलते हैं और एक नया एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।